you by YY Gyan Jyoti यसको कुपन चमत्कारी छ YY Gyan Jyoti पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल Life is so sleek in my kitchen Have a life kara enjoy Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited Breeze Cement Solid technology le bancha solid cement हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको स्वागत आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से आपकी पंक्तियां प्यार की मस्ती किसी दुकान में नहीं बिकती अच्छे दोस्तों की दोस्ती हर वक्त नहीं मिलती रखना सदा दोस्तों को दिल में सजाकर क्योंकि यारों की यारी गैरों से नहीं मिलती अब कुछ गतिविधियां होली सामने है सभी होली की तैयारी में जोर शोर से लाग रखा है भद्रपुर में होली के अवसर में एक हफ्ते पहले से ही डफ और चंग में नाच गाना शुरू हो चुका है होली की आप सभी ने हार्दिक शुभकामना होली के त्योहार ने प्रेम और भाईचारे के रूप में मनावा या सभी से अनुरोध भी अब आगे आज का अतिथि से बातचीत आज का अपना जो अतिथि है उनको परिचय कराने की जरूरत ही कोनी उनको नाम ही एक परिचय है सतपाल जी महाराज आप सभी कोई सुनेड़ा हो समय न गवाते हुए उना को कार्यक्रम में स्वागत करने जा रही हूँ और इना से अध्यात्म लगाए विविध विषय में बातचीत करांगा महाराज जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है नमस्कार महाराज जी आज के परिवर्तित समय और संदर्भ में जीवन का आधार क्या जीवन का जो लक्ष्य हमारा है वह है परम शांति को प्राप्त करना सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करना और उसी के लिए आदमी प्रयासरत है कोई विदेश भागता है कोई हिमालय की चोटी पर पहुंचता है शांति के लिए हम ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हम कर्म करें उसका टोटल जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्शन हो संतोष हो और हमारे संतों ने कहा है गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान संतों ने अध्यात्म को समझा अध्यात्म की गहराई में गए और उन्होंने कहा कि अध्यात्म के अंदर परम शांति और परम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है तो ये परिवर्तन जो संसार में हो रहा है ये परिवर्तन एक ऐसे बिंदु के चारों तरफ होता है जो अपने आप में अपरिवर्तित होता है आपने सीलिंग फैन देखा होगा उसकी ब्लेड्स बड़ी तेजी से घूमती हैं पर जिस धुरी से जिस डंडे से जिस पोल से वो लटका होता है वो पोल नहीं घूमता ऐसे हमारे प्लैनेट्स हमारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं पर जिस सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो सूर्य अपने आप में नहीं घूमती है चक्की का पार्ट आपने देखा होगा ऊपर से घूमता रहता है पर जिस कील पर टंगा हुआ है खड़ा हुआ है वो कील नहीं घूमती तांगे का पहिया बैलगाड़ी का पहिया घूमता रहता है पर जो एक्सल है उसका वो नहीं घूमता तो हमारे संतों ने ये समझा कि जितने भी जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं ये परिवर्तन एक ऐसे बिंदु के चारों तरफ हो रहे हैं जो अपने आप में अनचेंजेबल है इटर्नल है और अपने आप में परिवर्तन से रहित है उसकी उन्होंने तलाश की जो ना बदलने वाला है ना चलने वाला उसको अध्यात्म के अंदर उन्होंने समझा और जाना अब ये कहना चाहते हैं कि समय कितना भी बदल जाए लोग कैसे भी बदल जाए लेकिन जो बिंदु है वो कभी नहीं बदलता नहीं बदलता जी जी और ये आत्मज्ञान ये क्या है ये आत्मज्ञान है कि जो हमारा अध्यात्म है जो हमारा बेसिस है जो ना बदलने वाली सत्ता है जिसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय मैं अभी राजिम से आ रहा हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया आप जानते हैं कि अभी 12 साल के बाद हमारे नासिक में कुंभ होने वाला है बहुत से हमारे जो आध्यात्मिक लोग हैं धार्मिक लोग हैं
नेपाल से भी जाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि नेपाल और भारत के बीच में हमारी शिव हमारी आत्मा है। आत्मा एक है, दो शरीर हैं, दो देश हैं, पर दोनों देशों की आत्मा जो शंकर हैं वो एक है। तो वहाँ पर जो है कुंभ मनाने जाएंगे, और कुंभ की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि भाई जब देवता और दानव लड़ रहे थे, देवर यूजिंग देयर एनर्जी, अपनी शक्ति को वो लड़ने में ख़त्म कर रहे थे, तो भगवान ने कहा भाई ऐसा करो कि तुम समुद्र का मंथन करो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अपनी शक्ति का हास मत करो, उसको नष्ट मत करो, तलाश करो, ढूंढो, मंथन करो। तो एक कथा के रूप में, एक बड़ी विशाल मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत का जिक्र किया गया, और रस्सी के रूप में वासुकी नाग का जिक्र किया गया कि भाई ये एक बड़ी रस्सी थी। बट बेसिकली इट वॉज सर्चिंग द अर्थ, वो दुनिया के अंदर जो रतन है, दुनिया के अंदर जो एक्सेलेंस है, दुनिया के अंदर जो सबसे उत्कृष्ट चीज है, उसको तलाश करने का अभियान था। और दोनों की शक्ति लगा दी, देवताओं की शक्ति लगा दी, दानवों की शक्ति लगा दी कि संसार के लिए जो उपयोगी है, संसार के लिए जो अच्छी चीज है, उसको तलाश करो। तो उस मंथन की कथा तो बहुत अद्भुत है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर उसमें दो चीज निकली। एक उसमें अमृत निकला, और अमृत निकला, हम समझते हैं कि अमृत के निकलने के बाद ऐसा हो गया कि संसार मरने लगा, अमृत तो सॉरी जहर निकला, तो जहर तो संसार को मारता है। पर जहर जो निकला, तो जहर का एंटीडोट वो भी खोजा गया। तो शिव को कहा गया कि प्रभु आप इसका पान करें, और पान करके आप इसका एंटीडोट खोजें। तो भगवान शंकर ने उसका पान किया, पर उसको गले के नीचे नहीं उतारा, कंठ तक ही रखा। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी अद्भुत एक कथा है जो हमारे जीवन में घटती है। आप परिवार में बड़े हैं, आपको लोग उंगली उठाते होंगे, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मित्र के साथ ऐसा कर दिया, अपने परिवार के साथ ऐसा कर, तो आपको भी विषपान करना पड़ता है। पर विष को हम अपने शरीर में ना उतारें, गले तक रखें। ये एक भगवान शंकर का ये संदेश है, जिनको हम नीलकंठ कहते हैं। अब भगवान शंकर ने अध्यात्म को जागृत किया। आपने देखा होगा कि जब सांप किसी को काटता है तो हम कहते हैं भाई दवाई लाओ। वो दवाई कैसे बनती है? बेसिकली क्या है कि घोड़ों को पाला जाता है, और घोड़ों के अंदर माइल्ड डोज ऑफ पॉइजन डाला जाता है उनके खून में। उस पॉइजन को काउंटर करने के लिए घोड़े के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो उसके अंदर रक्त के अंदर जो ताकत होती है, वो उसका प्रतिरोध करती है, उसको फाइट करती है। फिर डोज और बढ़ा दिया जाता है, फिर उसको वो काउंटर करती है, करते करते वो ब्लड के अंदर ऐसी ताकत होती है कि फिर वो पूरे जहर को फाइट कर सकता है। तो जहर से क्या बना? एंटीडोट बना। जहर से मुक्त होने की दवाई, अगर जहरी ना होता तो एंटीडोट भी नहीं होता। तो भगवान शंकर ने वो एंटीडोट जो है अध्यात्म के जरिए समाज को दिया, दुनिया को दिया। तो ये जो मंथन हुआ, उसके बाद फिर अमृत निकला, इमोर्टैलिटी, कि अगर आप विष का जो अगर आप एंटीडोट ढूंढ लेंगे तो उसके बाद क्या है, अमर हो जाएंगे, फिर तो आपको कोई मार ही नहीं सकता। और उसमें भगवान ने क्या किया कि जब झगड़ा होने लगा, क्योंकि बहुत सी चीजें निकली, तो देवता दानवों ने उसके पीछे झगड़ा नहीं किया। धनवंतरी निकला, उसमें कामधेनु गाय निकली, उसमें एरावत हाथी निकला, वो तो बांट दिया उन्होंने, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पर जब अमृत आया, सबने कहा साहब हमें चाहिए, हमें चाहिए। अर्थात संसार की अद्भुत चीजें, अद्भुत रत्न, उसके आगे कुछ भी नहीं थे। वो इतना कीमती, इतना अलभ्य, वो अमृत था। अब उस अमृत को आपने देखा होगा कि द लिविंग वाटर के रूप में, द वाटर ऑफ इटर्नल लाइफ के रूप में फॉरेन कंट्री में लोग जो हैं साउथ अमेरिका में ढूंढते रहे कि भाई यहां भी ऐसा एक पानी है जिसको पी के आदमी अमर हो जाता है। जगह जगह उस अमरता की चर्चा होती रही। कुछ लोग तिब्बत में समझते थे कि तिब्बत के अंदर कुछ ऐसे मुनि और संत हैं जो अमर हो गए हैं, तो अमरता की बात आदमी करता। आज भी साइंस क्या कर रही है, आदमी को अमरी बनाने का प्रयास कर रही है। बीमार हो जाता है, उसका इलाज नहीं हो सकता, तो उसको डिफ्रीज कर देते हैं। हाँ। और फिर कहते हैं भाई जब इसका इलाज, इसकी बीमारी का इलाज हमें पता चल जाएगा, तो इसको फिर से हम अवेकन करेंगे, फिर से इसको जिंदा करेंगे, इसका इलाज करेंगे। तो आज हमारा सारा प्रयास जो है वो इमोर्टैलिटी का है कि मृत्युर्मा अमृतकम है, कि प्रभु मृत्यु से अमृत की ओर,
ये सारा पूरी साइंस प्रयास कर रही है, इसके पीछे लगे हुए हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उस अमृत के लिए झगड़ा हो गया, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, क्योंकि अमृत तो कुपात्र को नहीं देना चाहिए। जो अनवांटेड होता है, जिसको जिसमें योग्यता नहीं है, उसको अमृत नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान देवताओं को अमृत बांटने लगे और बाकियों को और पिला दिया कुछ। तो कहने का मकसद यह है कि ये कथा है कि संसार के अंदर अगर हम मिल करके चर्निंग करेंगे तो संसार के अंदर रत्न प्राप्त कर सकते हैं, आत्ममंथन करेंगे तो हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम अमर हो जाएंगे। ये सब अध्यात्म का ही विज्ञान है और इसको समझना ही जो है आत्मज्ञान। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेते फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न, नेपाल चार वर्ण 36 जात को साझा फुलबारी हो, यो भनाई कसको हो? अप्सन ए त्रिभुवन शाह, अप्सन बी महेन्द्र शाह, अप्सन सी पृथ्वीनारायण शाह, अप्सन डी द्रव्य शाह। दिएका अप्सनहरु मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई कलर्स मोबाइल एक्स 18 हिरो, प्रत्येक दुई हप्तामा एक जनालाई सीजी को हटपट, प्रत्येक महिना एक जनालाई विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन, प्रत्येक महिना एक जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन, हैव अ लाइफ कर एंजॉय। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर नेपाल किचन कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सतपाल जी महाराज जी से, आओ इस बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, हमारा जो सनातन धर्म है वो कितना वैज्ञानिक है, क्योंकि आज की जो युवा है हर चीज की प्रूफ मांगती है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और मैं समझता हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है ये पूर्णतः वैज्ञानिक है और इसके पीछे जब अनुसंधान हम करें, अगर हम खोज करें, तो पता चलता है कि अगाध ज्ञान हमारे शास्त्रों के अंदर छुपा हुआ था, जिसको आज हम प्रकट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, डिसाइफर नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर पुष्पक विमान का जिक्र आता है कि रावण पुष्पक विमान में बैठ करके यात्रा किया करता था और वो ऐसा विमान था कि चालक की, स्वामी की इच्छा पर चलता था। आज उसको हम ऑटो पायलट कहेंगे। ऑटो पायलट में पायलट की इच्छा से वो उस पर कंप्यूट कर देता है कि कहां किस अक्षांश रेखांश जाना है और प्लेन अपने आप टेक ऑफ करके पहुंच जाता है। तो ये सब चीजें उस जमाने में भी थी। आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में कर्णाद ऋषि का उल्लेख आता है, जिन्होंने कण की थ्योरी को, एटॉमिक थ्योरी को प्रतिपादित किया। ये क्या हुआ कि भारत पर अंग्रेजों का राज्य रहा, उन्होंने अपनी रिसर्चेस को हाईलाइट किया, हमारे ऋषि संतों की रिसर्चेस हाईलाइट नहीं हुई, हमारे सनातन धर्म का जो मैं समझता हूँ मैनिफेस्टेशन होना चाहिए था, प्रकटीकरण होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और जिसके कारण मैं समझता हूँ कि हम ये समझने लगे कि शायद हमारा धर्म जो है कमजोर है, हीन है। आपने देखा होगा आज से कुछ वर्षों पहले नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति थे जिनका बाद में नाम विवेकानंद पड़ा। भारत का एक साधु चिकागो में जाता है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाता है और वहां जाके कहता है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और जब उसने कहा कि मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो 10 मिनट तक उस सभागार के अंदर तालियां बजती रही। लोगों ने कहा भाई आज से पहले तो वक्ता कहते थे माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें स्त्री और पुरुष कह के रूप में, लिंग भेद के रूप में हमको हमारा उद्बोधन होता था, पर ये पहला व्यक्ति है, ये पहला भारतीय सनातन धर्म को मानने वाला संत है जो हमको भाई और बहन कह रहा है, जो वास्तव में जानता है कि ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतानें हैं, जो इसको जानता है और मुंह से कह भी रहा है। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक विराटता है। आपने देखा होगा हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय।
आप देखिए कि अगर मैं यहां बैठा हूं तो मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग पर चले जाऊंगा तो मुझे काफी बड़ा दृश्य दिखाई देगा, पहाड़ पर चले जाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ी तलहटी दिखाई देगी, सैटेलाइट में पहुंच जाऊंगा तो मुझे पूरा भूभाग दिखाई देगा पृथ्वी का। तो जितनी आत्मा इवॉल्व होती जाती है, जितनी आत्मा उन्नत होती चली जाती है, जितनी आत्मा विकसित होती चली जाती है, उतनी आदमी संकीर्णता से ऊपर उठ जाता है। तो हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी ऊपर उठ चुकी थी कि उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नहीं कि मेरे अपने धर्म की, मेरे अपने रेखाओं की, मेरी अपनी सीमाओं की, इसकी ही शांति हो, नहीं, उन्होंने कहा सर्वे, सब, हे प्रभु सारे संसार के अंदर लोग सुखी हों। आज क्या है, अभी हम आ रहे थे एयरपोर्ट से, वो स्वाइन फ्लू की चेकिंग कर रहे थे, तो ये क्या है कि कहीं बीमारी होगी वो कहीं से कहीं ट्रांसफर हो जाएगी। इससे पहले इबोला था, इससे पहले एड्स की बीमारी फैली हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ऋषियों ने कहा कि संसार के अंदर सब निरोग हो, जिससे कि ये ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज ना हो। तो उन्होंने कहा सर्वे भवंत सुखिन, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणी पश्चंतु मा कश्चित दुख भागवत। तो ये विशालता, विराटता, सनातन, और सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि ना अंत। आप किसी भी धर्म को देखेंगे, किसी धर्म की शुरुआत 1400 साल पहले हुई, किसी की शुरुआत 2000 साल पहले हुई, किसी की 2500 साल पहले हुई, और हमारा तो सनातन है जिसका आदि और अंत नहीं। इसलिए हमारी एक पुस्तक भी नहीं है, क्रिश्चियंस की एक बाइबल है, मुस्लिम्स की एक कुरान है, और आप देखेंगे ज्यूश की उनकी तौराज है और ओल्ड टेस्टमेंट है। पर आप ये देखेंगे कि सनातन धर्म के अंदर हमारी एक पुस्तक नहीं है, वेद से लेकर के, उपनिषद से लेकर के, पुराणों से लेकर के, हमने सारा वो एक चेन बनती चली गई, और उस चेन को हम पूछते गए, उसको मानते चले गए, वो हमारा दिशा निर्देश करती चले गई। तो ये सनातन धर्म की एक विशेषता है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे पुराणों के अंदर कुंभज ऋषि का जिक्र आता है कि साहब ऋषि को घड़े में पैदा कर दिया, वो क्या थे, वो टेस्ट ट्यूब बेबीज, कुंभज ऋषि का मतलब टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमारे उसमें आती हैं, हमारे धर्मों में आती हैं, और इसका सही, मैं समझता हूं, विश्लेषण होना चाहिए, इस पर सही रिसर्च होनी चाहिए, जिससे कि हम जनता का हित कर सकें। एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा आपसे, एक एक उदाहरण आता है कि अभिमन्यु ने कहा कि आप तो नहीं जानते कि चक्रव्यूह कैसे टूटेगा, मैं जानता हूं। तो बोला बेटा तुम कैसे जानते हो? बोला मेरी मां को नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे पिताजी ने, जो अर्जुन थे, उन्होंने चक्रव्यूह का कैसे वो तोड़ा जाता है ये मेरी मां को सुनाया, और मां सुनते सुनते नींद, मां को नींद आ गई। तो चक्रव्यूह तोड़ना तो मैं जानता हूं, पर तोड़ से निकलने का जो था उसमें, वापसी का रास्ता, वापसी का जो रास्ता था वो, तब मां को नींद आ गई तो मैं तब सुन नहीं सका। तो आप बताइए कि आप मां के गर्भ में आप ज्ञान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज्ञान को संपादित कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देखिए आज हम बच्चे हमारे कंप्यूटर खेलते हैं, हमसे ज्यादा उनको ज्ञान रहता है कंप्यूटर का, ज्यादा वो मोबाइल फोन को लेकर के गेम्स खेलने लगते हैं, तो इसका मतलब उनकी उनका आईक्यू बढ़ गया है। तो इस तरह से मां के गर्भ में ही हमारे ऋषि लोग ज्ञान को जो है संपादित किया कर देते। तो ये एक टेक्नोलॉजी एक थी, और मैं समझता हूं भारत पर जितने आक्रमण हुए, हमारी सभ्यता पर जितने आक्रमण हुए, उसके कारण उसका हास भी हुआ है। पर मैं समझता हूं कि आज रिसर्च होनी चाहिए, और जो संदेश है हमारे सनातन धर्म का, वो संदेश तो मैं समझता हूं सारे संसार को आलिंगन करने वाला है, सारे संसार को मुक्त करने वाला, संसार का मंगल करने वाला है। तो ऐसे की ऐसे ऐसे धर्म का अभिनंदन होना चाहिए। परमात्मा है या नहीं, ये सबसे अहम प्रश्न हर याचक के मन में है, और अगर है तो फिर दिखता क्यों नहीं? क्या आपने देखा है? आप बार बार कहते रहे हो कि परमात्मा है। आपने जो प्रश्न किया, इसी प्रश्न में उत्तर है। आपने कहा परमात्मा है, अगर परमात्मा ना होता तो आप परमात्मा शब्द का उल्लेख नहीं करते। हमारे ऋषियों ने जो परमात्मा कहा, अगर परमात्मा का अनुभव ना होता तो वो भी परमात्मा नहीं कह सकते थे। आज हम ये जरूर कह सकते हैं कि साहब हम इसलिए परमात्मा कहते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है। हमारे शास्त्रों को किसने लिखा? हमारे शास्त्रों को हमारे ऋषियों ने लिखा। इसका मतलब ऋषियों ने जान करके लिखा, ऋषियों ने अनुभव करके लिखा। अभी आपको पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी, तो मैं गर्मी को देख नहीं सकता, गर्मी का अनुभव मैंने किया। आप में सिर पे पसीना आया,
तो पसीना देख करके मुझे लगा कि आपको गर्मी लग रही है। तो गर्मी को हम देख नहीं सकते पर गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का अनुभव होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो ध्यावत फल पावत, ये हम गायत्री अपनी पूजा में कहते हैं कि भाई जो ध्याता है उसको मिलता है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र के अंदर कहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके अंदर एक मंत्र दृष्टा ये कह रहा है, द प्रसीवर ऑफ द मंत्र, जिसने मंत्र का दर्शन किया हो, कि भर्गो स्वरूप परमात्मा, हे ज्योतिर्मान परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। क्योंकि अगर आप मैटर को लें और मैटर को स्प्लिट करते करते एटम तक पहुंचे और एटम को भी स्प्लिट करें तो क्या होता है, मैटर से एनर्जी निकलती है। जो हमारे आइंस्टाइन का फॉर्मूला था कि एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर्ड। उसमें मास क्या हुआ, एनर्जी ऑब्लिक सी स्क्वायर्ड हुआ। तो कहने का मतलब कि जब हमने एटम को स्प्लिट किया, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर एटम को चेन रिएक्शन के जगह स्प्लिट किया, तो उसके अंदर से एनर्जी निकली, लाइट निकली। इसका मतलब वो लाइट कण कण में छुपी हुई है, जर्रे जर्रे में छुपी हुई है। और इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, दो नेत्र से सारे संसार को हम देखते हैं। भगवान शंकर ने क्या किया, उस चीज का अनुभव करने के लिए दो नेत्रों को छोड़ करके अपना तीसरा नेत्र खोला। तो तीसरा नेत्र जो है, जो थर्ड आय है, जिस पर हम बिंदी लगाते हैं और सारे ही लगभग धर्म मानते हैं, आपने देखा होगा बुद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं ओम मणि पद्मे हं। ओम जो वाचक शब्द है, जिसमें कि हम पश्चंती, मध्यमा और बैखरी, इन तीनों वाणियों का उपयोग करते हैं और भगवान का जो सबसे शुभ नाम है उसका उच्चारण करते हैं, वो ओम है। हमारे शास्त्रों में भी आता है और बौद्ध के जो शास्त्र हैं उनमें भी उसका उल्लेख है, ओम मणि। मणि क्या चीज है, आपने सर्पमणि के बारे में सुना होगा। तो सर्पमणि क्या होती है कि रात को भाई सांप मणि को रखता है, उसके चारों तरफ पतंगे आते हैं, उनको खाता है और उसको कोई जाए तो उस मणि लेके भाग जाता है। तो मैं कहने का मतलब, मणि का मतलब प्रकाश, मणि का मतलब लाइट। और इसीलिए रामचरितमानस में कहा है कि राम की भक्ति क्या है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसही गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। कि वो सेल्फ इफल्जेंट लाइट है, वहां प्रकाश है, घी बत्ती की जरूरत नहीं है। हम बासी वादेश के जहां आदि अंत का खेल, दीपक देव का गैब का बिन बाती बिन तेल। तो वो जो अनुभव है भर्गो देवस्य धीमहि का, जो अनुभव है जो हमारे वेदों के अंदर वर्णित किया गया, उस अनुभव को उसका साक्षात्कार किया जाता है। वास्तु शास्त्र या वास्तु विज्ञान का जीवन में क्या महत्व है, या इसे यूं कहूं कि कितना महत्व देना चाहिए आज के संदर्भ में। वास्तु शास्त्र जो है, हम लोग जब आधार रखते हैं तो वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं और उसमें हम ये मानते हैं कि जो हमारा जो मकान है वास्तु विधि से अगर पूरा होगा तो मानव के शरीर की तरह है। आपने देखा होगा गाड़ी भी है, तो गाड़ी को हम जब बनाते हैं उसको, तो उसमें यह होता है कि भाई इसका धुआं कहां से निकलेगा, हवा कहां से आएगी, पेट्रोल कहां से आएगा। तो वो भी देखा जाए तो एक मनुष्य के शरीर की तरह उसका एक सिस्टम बनाया जाता है। ऐसे ही जो हमारे मकान हैं, जो बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको भी एक ह्यूमन स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया। मुझे इंडोनेशिया जाने का मौका मिला, वहाँ बहुत प्राचीन मकान थे, लगभग वो मानते हैं कि साहब यहाँ पर 700 साल 1000 साल पुराने हमारे मकान हैं। वो सारे मकान वास्तुशास्त्र से बने थे। वास्तुशास्त्र से ये माना जाता है कि अगर उसकी हार्मनी हो जाएगी, उसकी एक सिस्टम हो जाएगा, तो उससे बेटरमेंट होगा, एक उसमें अच्छाई आएगी और एक यूनिटी होगी, कंटिन्यूटी होगी और एनर्जी का फ्लो ठीक ढंग से चलेगा। तो इसलिए हम वास्तु पुरुष को मानते हैं और मकान को, बिल्डिंग को एक वास्तु पुरुष के रूप में मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ये हमारी भावना है। हम फिर से एक ब्रेक लेते हैं दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं।
यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। नेपाल चार वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो, यो भनाई कसको हो? अप्सन ए त्रिभुवन शाह, अप्सन बी महेन्द्र शाह, अप्सन सी पृथ्वीनारायण शाह, अप्सन डी द्रव्य शाह। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई कलर्स मोबाइल एक्स 18 हिरो प्रत्येक दुई हप्तामा एक जनालाई सीजी को हटपट प्रत्येक महिना एक जनालाई विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेव ओभन प्रत्येक महिना एक जनालाई पनि विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ Brought to you by YY Gyan Jyoti. यसको कुपन चमत्कारी छ YY Gyan Jyoti पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal. Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bansa solid cement. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सतपाल जी महाराज जी से, आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ाओ। मेडिटेशन आज एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान इसको बेचने की कोशिश कर रहा है, असल में है क्या ये? मेडिटेशन माने ध्यान, और ध्यान जो है वो तीन चीज का समन्वय है, ध्येय, ध्यान और ध्याता। जब आप ध्येय में अपने मन को लगाएंगे तो मन लगाना ध्यान और लगाने वाला ध्याता। इन तीन चीज का जो कॉम्बिनेशन है, जो तीन चीज का जो मिलन है, वो समाधि कहलाती है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम मन को कॉन्सेंट्रेट करें, और कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, आपने देखा होगा कि सूरज की किरणें कागज पर पड़ती हैं, कागज गर्म हो जाता है, कुछ नहीं होता। पर हम कॉन्वेक्स लेंस से, खुरदूरबीन के शीशे से अगर सूरज की किरणों को कॉन्सेंट्रेट करें तो वहां आग प्रकट हो जाती है, बिना माचिस के आग प्रकट हो जाती। तो ठीक इसी प्रकार से हम जब अपने माइंड को फोकस करेंगे तो वहां पर जो ईश्वर का दर्शन है, जो एनर्जी है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है। आपने देखा होगा नदी का पानी बहता रहता है, पर उसी पानी को अगर हम हाइड्रो टनल के अंदर डाल दें और उससे टर्बाइन घमाना शुरू कर दें तो उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड फ्लो होता है उससे एनर्जी का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो ये अब ध्यान के बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, उसका एक सिस्टम है, हमारे शास्त्रों के अंदर वो वर्णित है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुभव, एक होता है अनुमान। हमारे शास्त्रों में कहा कि अग्नि आपने देखी जलते हुए, आपने प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर लिया। एक होता है अनुमान, दूर से आप धुआं देख रहे हैं, धुआं तो अग्नि से ही निकलेगा पर आपको धुआं दिखाई दे रहा, अग्नि नहीं दिखाई दे रही, तो आपने प्रिज्यूम कर लिया कि अग्नि जल रही होगी। और एक होता है आगम और निगम, शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों की बातों को हम मानते हैं। इसी प्रकार से अगर पहाड़ में वर्षा हो रही है तो वर्षा तो हमने नहीं देखी, पर अगर नदी में ज्यादा पानी आ गया तो हम ये मानेंगे कि पहाड़ में वर्षा हुई है। तो ये तीन प्रमाण हैं, और इसमें प्रत्यक्ष जो है वो सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जाता है, सबसे ज्यादा मैं समझता हूं उसमें एक्सपीरियंस होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ये मेडिटेशन जो है ये हमारे जीवन को कॉन्सेंट्रेटेड करती है, बेटर करती है और एक्सेलेंस पैदा करती है। हर इंसान जानता है कि मृत्यु मेरी निश्चित है, फिर भी जीता ऐसे है जो कभी उसको मरना ही नहीं है, और जब मरता है तो ऐसे मरता है जैसे कभी जिया ही नहीं है। तो जीने का सही अंदाज क्या? ये बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है, और मैं समझता हूं कि जब ये पूछा गया यक्ष से, यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि आदमी अर्थी को लेकर के जाता है, अपने किसी मित्रवर को फूंक करके आता है, और लौटने के बाद सोचता है कि मैं मरने वाला नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। मैं समझता हूं कि इसमें हम लोगों को चाहिए कि हम जो अटैचमेंट्स हैं वो ना रखें। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी होटल में जाते हैं और सामान बांधते और चल देते हैं, उसके साथ हमारा कोई लगाव नहीं होता। हम गाड़ी में, बस में बैठते हैं, उसका कोई लगाव नहीं होता। तो ऐसे डिटैच होकर के निष्काम भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो अटैचमेंट नहीं होगा। तो जीवन को जीने की कला यही है
कि हम निष्काम भाव से कर्म करें। और भगवान ने कहा कि भाई कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल तो मैं देने वाला हूँ, उसका अच्छा फल बुरा फल ये सब मैं देने वाला हूँ। तो यही भगवान की भावना को लेकर के अगर हम निष्काम भाव से डिजायरलेस रूप में अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। लेकिन आपने जो डिटैचमेंट की बात कही, मान लीजिए गृहस्थी में या परिवार में डिटैचमेंट संभव है, डिटैच होके जीना? इसमें भी डिटैचमेंट संभव है, इसलिए संभव है। आपने देखा होगा कि हम जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में हम साइकिल को बैलेंस भी करते हैं, किसी मित्र को पीछे बैठा के बातचीत भी करते हैं और ध्यान हमारा आगे लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि द फोकस ऑफ द माइंड, अगर फोकस ऑफ द माइंड हमारा स्पिरिचुअलिटी में है तो कहीं भी हम रहें, जनक की तरह हम राजा भी बने परंतु हम विदेही कहलाएंगे। अभी आप बातचीत कर रहा था सतपाल जी महाराज जी से, समय अभाव के कारण से आज पूरा एपिसोड को नहीं दिखा पाया, इनको बाकी एपिसोड अगले शनिवार फिर से दिखावांगा। हमने कई इंसानों को देखा है ये कहते हुए कि मौत से मुझे डर कोई डर नहीं लगता, मौत का क्या डरना। पाल से आपका ऐसा क्या नाता है कि आप नेपाली पोशाक को भी उतना ही महत्व देते हैं? अभी भी आपने जैसे नेपाली टोपी पहनी हुई है। हिंदू राज्य होना या इस्लामिक राज्य होना या क्रिश्चियन राज्य होना या धर्मनिरपेक्ष होना, ये इसका बेसिक फर्क क्या पड़ता है? अचानक कांग्रेस से बीजेपी की तरफ का रुख क्यों? नेपाल के आपके फॉलोअर्स और नेपाल के राजनेताओं को आपका क्या कहना है? अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट 2015 का आयोजक राष्ट्र को हुन्? अप्सन ए भारत पाकिस्तान, अप्सन बी जिम्बाब्वे आयरल्यान्ड, अप्सन सी अस्ट्रेलिया न्यूजील्यान्ड र अप्सन डी इंग्ल्यान्ड यूएई। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी अस्ट्रेलिया न्यूजील्यान्ड। दर्शक प्रश्न को भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9841 9419 3641 9913 3126 26 9935। सेन्चुरी कुरमुरे को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता 9941 5162 3649 9935 3634 9935 3634 9942 48। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 9862 2051 99। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपाल चार वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो, यो भनाए कसको हो? अप्सन ए त्रिभुवन शाह, अप्सन बी महेन्द्र शाह, अप्सन सी पृथ्वी नारायण शाह, अप्सन डी द्रव्य शाह। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, सेन्चुरी कुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई कलर्स मोबाइल एक्स 18 हिरो प्रत्येक दुई हप्तामा एक जनालाई, सीजी को हटपट प्रत्येक महिना एक जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेव ओभन प्रत्येक महिना एक जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10-15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आजको लिए यो कार्यक्रम इतनो ही, अगले शनिबार फिर नई सामग्रियों के साथ उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए मनवी इजाजत दियो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9848923804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल @himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी यहाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव हो तो प्रतिक्रिया दे सको हो। और पुराना अगर एपिसोड देखना हो तो YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। अब आप लोग माने Twitter में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग।
बरसे।